तो चलिए, एक कहावत याद आया मुझे कि खोदा पहाड़ और निकला चूहिया, क्योंकि इन्होंने ऐसा टीजर दिखाया है कि लोगों का गुस्सा भी ऐसा हो गया है। साले का खोपड़ी तो। भाई साहब, आदि पुरुष का तो टीजर देखकर लोगों का रिएक्शन ऐसा हुआ कि आप भी सोचने में हैरान हो जाइएगा, क्योंकि राम जी का लुक ही बदल डाला है। भाई साहब, इन्होंने ऐसा काम ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, जब इनको रामायण बनाने नहीं आता है तो फिर इसको कार्टून क्यों बना देते हैं यार, समझ में नहीं आ रहा है इसको। भाई दिमाग खराब हो गया है, ऐसा कार्टून बना दे। 400 करोड़ बोल रहे थे, अरे 400 करोड़ लगा है, 400 करोड़। भाई 400 करोड़ कहाँ है, ये वीएफएक्स है कुछ भी। सनातन धर्म का विरोध लगता है आप पर दिए। भाई राम जी कार्टून बना दिए, हनुमान जी को भी कार्टून बना दिए, और रावण को भी कार्टून बना दिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, समझ नहीं रहे हैं क्या आप। बात करते हैं स्टोरी। स्टोरी यह है कि पूरी तरह से रामायण का लुक दिया गया। यहाँ पर प्रभास रोल निभा रहे हैं राम जी का। इस मूवीज को देखने में तो एक बात है, क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट तो हो, हीरो जो आए हैं प्रभास जी, जो इनकी मूवी तो हमें देखना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई सुपर स्टार रह चुके हैं, इसके लिए तो अच्छा। देखना तो पड़ेगा। टेपली खान को तो देखना पड़ेगा, क्या ये रावण है, रावण है या नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। क्या कर दिया है इन्होंने, देख रहे हैं साहब। अगर श्रीलंका में यह मूवीज जाएगी, शायद ये तो कंफर्म है कि श्रीलंका के लोग देखेंगे, और देखेंगे अपने देवता को, अपने गॉड को देखेंगे रावण को, तो क्या कहेंगे। भाई साहब, रावण को तो बेइज्जत कर दिया है, ऐसे लुक कर दिया है कार्टून। इससे महिमा तो डोरेमान बना देते, मूवी चल लेती और इससे ज्यादा भी कमाई कर लेती, क्योंकि भारत में सबसे मशहूर कार्टून है डोरेमान। और सबसे हैरानी की बात है, सबसे बड़ी बात हमें एक अच्छी लगती थी कि रावण का रोल अदा करने में बहुत मजा आएगा सेपली को, मगर ऐसा लुक दे दिया है। भाई साहब, दिमाग खराब हो गया है, क्या बताऊं भाई। पूरी तरह से एक्साइटमेंट, लोग भी थे और मैं भी था देखने के लिए, मगर क्या करें, होगा वही जो खुदा चाहे। अरे कहना क्या चाहे, वही हाल है इन लोगों का। वक्त वक्त की बात है, वक्त बदल, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। पे चला गया है वीडियो ट्रेंडिंग, जाने का मतलब एक और है रीजन, क्योंकि लोगों कार्टून देखने में मजा आता है। वही बात है, हम बार बार कार्टून क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई बोल रहे थे 400 करोड़, 400 करोड़ कहाँ गया। लगता है कि राम सेतु बनवा रहे हैं, 400 करोड़ में कुछ बचा होगा, 200 करोड़, 250 करोड़ जरूर बचा होगा, क्योंकि सारे तो 400 करोड़ नहीं लगेगा। ऐसा रवैया देखने पर एक तो बात अच्छी लगी, क्योंकि बाद में हमें इग्नोर करने में बहुत मजा आएगा। और भाई साहब, वो तो बात सुने ही होंगे बाइकवॉट का। बाइकवॉट से लोग तो डरते नहीं है, उसके दिवाला घसक जाता है। और टीजर देखने के बाद ऐसा मन हुआ ना कि मन ही खट्टा हो गया भाई देखने में। मुझे लगा कि क्वालिटी थोड़ा डाउन होगा, फिर भी क्वालिटी बढ़ाया, 4K भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वही है। इसमें प्रभास की वॉइस दी गई है, जो इनकी आवाज में चार चांद लगा दिया है। मगर एक बात और है, बेइज्जत भी करवा लिया, लोगों का उम्मीद था इस टीजर के लेके, मगर क्या करे। मगर एक बात है, इस मूवीज में तो थोड़ा तो दम होगा, क्योंकि इसमें तो भाई बहुत दिनों से काम हो रहा है और इतने सुपरस्टार लगे हुए हैं काम करने में, तो भाई जाहिर से बात है कुछ तो इसमें खासियत होगी। तो देखना होगा और क्या होता है इसमें मूवीज में। और ऐसे ही वीडियो के साथ हमारे बने रहिए और चैनल के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर हमें कमेंट करिए और अपनी राय हमारे पास जरूर पहुँचाइए। तो तब तक लिए मिलते हैं और अगले वीडियो में नेक्स्ट आपके लिए हाजिर होते हैं।